Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई जनूबी एशिया पॉलिसी के इजरा के बाद पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान नए राब्तों का आगाज हुआ है। अक्वामे मुत्तहिदा के 72वीं इजलास के मौके पर वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और अमरीकी नायब सदर माइक पेंस के दरमियान यूएन की साइड लाइन्स पर मुलाकात हुई है। And we look forward to discussing issues of mutual interest today, especially the war against terror, where Pakistan has been a partner of a lot long standing, and we intend to continue with our efforts to eliminate terrorism in the area. We've made our contributions. We fought a very difficult war. Pakistan has suffered casualties. We've suffered economic losses, and that's the message that we bring to the world. Value our relationship with Pakistan, a long-term partnership towards security in the region, and we look forward to exploring ways that we can work even more closely with Pakistan and with your government to advance the security throughout the region. इस नए राबते में यह भी तय हो गया है कि दो तरफा अमूर का हल तलाश करने के लिए एक अमरीकी वफद अगले महीने पाकिस्तान का दौरा करेगा। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने भी तवील तलखी के बाद एक मुजाकराती जो पेशकश है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ाई है और एक फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया है। We now also have an opportunity for a dialogue with our neighbors on how we can work together earnestly. To eliminate terrorism in Pakistan, I call upon Pakistan to engage with us on a comprehensive state-to-state dialogue on peace, security, and regional cooperation, leading to prosperity. नाजरीन, आज इधर रावलपिंडी के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात अफगान सफीर से भी हुई है। तो पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इन नए राब्तों के क्या खदोखाल होंगे, ये हमारा आज का मौजू होगा, जिन पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ शरीक हैं वजीर मुमलिकत बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग चौधरी जाफर इकबाल साहब। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक सफीर एयाज वजीर साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का। और दफाई तज्जिया के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी के भी मेंबर हैं, जल्द ही हमें ज्वाइन कर लेंगे। मगर सबसे पहले हम चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां पे ये समिट हो रही है, और वहां पे हैं अनवर इकबाल साहब, डॉन के लिए लिखते हैं, रिपोर्टर हैं और तज्जिया निगार हैं, कई दिहाइयों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, खासतौर पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की। तो अनवर इकबाल साहब, ये तो हो गए ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, असल खबर मुझे यकीन है आपके पास होगी। असल खबर क्या है, मीटिंग कैसी गई यूएस वाइस प्रेसिडेंट और हमारे वजीर आजम के दरमियान? देखें, इसमें एक चीज कह सकते हैं, मतलब है कि दोनों तरफ एक एहसास मौजूद है कि ये जो रिलेशनशिप है इसको खत्म नहीं होना चाहिए, चलना चाहिए। अब उसमें ये है कि जो अमरीकी, आप देखेंगे बयान जो आया है इस मुलाकात के बाद, उससे एक बात वाजह होती है कि वो अब भी बहुत रिजर्व हैं। उन हमने काफी तारीफ की, हमारे जो सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने इसको आइस ब्रेकर कहा, और ये कहा कि नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस का आगाज हो गया है वगैरह वगैरह। इन अमरीकियों ने सिर्फ दो टर्म यूज किए, एक तो उन्होंने कहा कि अहम इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमने कहा है कि सदर ट्रंप जो स्पीच है 21 अगस्त की, जिसमें उन्होंने अपनी नई पॉलिसी लॉन्च की थी जनूबी एशिया के लिए, वो स्पीच जो है वो पाकिस्तान के लिए भी एक दावत है कि अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखे। यानी उनकी जो दो पोजीशन है उस पर वो कायम रखते हुए उस पर उन्होंने गुफ्तगू की है। इसमें एक चीज देखें जो कि रिपोर्टों में कम आया है कि उसमें जो लिसा कर्टिस हैं, जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक डायरेक्टर है अफगानिस्तान पाकिस्तान उमूर के लिए, और जिनके बारे में कहा जाता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में जो हिस्सा है उस पॉलिसी का वो उन्होंने लिखा है, वो खास तौर पर इस मीटिंग में शरीक हुई।
और जिससे लगता है कि ज़ाहिर फोकस कहाँ रहा इस सारी गुफ्तगू का। यकीनन अफगानिस्तान पे रहा होगा, मगर ये बताइए अनवर इकबाल साहब कि अशरफ गनी साहब के साथ एक मीटिंग स्केड्यूल थी, बताया गया कि वक्त की किल्लत की वजह से ये नहीं हो रही, क्या माजरा है? क्या वाकई में वक्त की किल्लत थी या कोई तल्ख कलामी हुई है, या मैं कुछ ज्यादा रीड करी हूँ? तल्ख कलामी तो नहीं लगती, इसलिए देखें उसके बाद उन्होंने तकरीर की, उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि आप हम अफगानिस्तान के साथ स्टेट टू स्टेट डायलॉग का आगाज करें, मगर एक बात है कि उस तकरीर में भी वो अपनी पोजीशन पे ही कायम है कि पाकिस्तान जो है के अंदर मौजूद है, सेफ हेवन पाकिस्तान उस सेफ हेवन को खत्म करे और अफगानिस्तान के साथ कोऑपरेट करे, और उन्होंने ये भी पाकिस्तान का जो रोल है तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ लाने का उसका जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि हमने हिकमतियार को शामिल करके इसका ऑलरेडी आगाज कर दिया है। तो एक बात ये जो बजाय नजर आते ये गुफ्तगू इस वक्त अगर होती भी तो कोई बहुत नतीजा खेज नहीं होती, एक फॉर्मल सी गुफ्तगू होती। और अफगान एक चीज और आप जहन में रखें कि जो हमारे वजीर आजम है वो आर्जी वजीर आजम है, तो जो एक चीज जनरली देखी गई यहाँ के जो आलमी रहनुमा है वो बहुत ज्यादा कीन नहीं थे इनसे एंगेज करने में, वो समझते थे कि भाई एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, उसके बाद जो कुछ होगा देखा जाएगा। ये अब्बासी साहब एक ऐसी शख्सियत नहीं है जिनसे वो बहुत ज्यादा संजीदा और गहरी गुफ्तगू कर सके। मगर अनवर इकबाल साहब एक चीज क्लियर कर दें, क्या मैंने अगर सही तरह सुना तो उन्होंने जोर डाला कि आप जो तालिबान है उनको मुजाकराती टेबल पे लाएं, यही आपने कहा है? नहीं, इस पे ये जोर नहीं डाला, बल्कि पहले कहते थे, इन्होंने कहा कि हमने खुद ही इस प्रोसेस का आगाज कर दिया, एक मतदार को शामिल कर लिया, हम खुद ही कर लेंगे। अच्छा, तो उन्होंने कहा है कि अब हम खुद जो है तालिबान के साथ मुजाकरात करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर ये जोर नहीं डालेंगे। ये बहुत अहम खबर आपने हमें दी है अनवर इकबाल साहब, आपको नहीं, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा हमने खुद ही आगाज कर दिया है। अच्छा, फिर भी अहम खबर है, क्यों आज वजीर साहब आप तो अफगानिस्तान में रहे हैं, उनका ये कह देना कि जी अब हम खुद ही तालिबान के साथ बातचीत कर दें, रिलायंस पाकिस्तान के ऊपर खत्म हो जाएगी, आप क्या समझते हैं? जी ये बात तो उन्होंने पहले भी कही थी, अगर मैं गलत ना कहूँ तो शायद जब हमारी पार्लिमानी डेलीगेशन गई थी स्पीकर साहब की सरबराही में, उनकी बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई थी, तो उनको भी कहा था कि अब हम पाकिस्तान से ये तवक्को नहीं करेंगे कि वो, या ये मिन्नत नहीं करेंगे या ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो तालिबान को ले आए हमारे साथ बात के लिए, लेकिन पाकिस्तान से डायरेक्ट हम खुद बायलेटरल ताल्लुकात के लिए बात करना चाहते हैं, और वही मेरा ख्याल है उसका कामयाबी होगी उनको आपकी नजर। कामयाबी जरूर होगी अगर दोनों तरफ से बातचीत के दरवाजे खुल जाए, जी मिलना शुरू हो जाए, टॉप लेवल पे पोलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, इंटेलिजेंस लीडरशिप, ये इदारे, ये लोग मिलते जाएं तो इसी तरह ताल्लुकात बेहतर होते हैं, न मिलने में तलखियां बढ़ती हैं, ताल्लुकात खराबी की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन जितने फ्रीक्वेंटली मुलाकातें होती हैं उतनी तलखियां या वो फासले कम पड़ जाते हैं। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसला सिर्फ यही है कि इनके दरमियान एतमाद का फुकदान है, और उसको आप तब ब्रिज कर सकते हैं जब मुलाकातें होंगी। जी, और बिल्कुल आपने सही कहा कि तभी ब्रिज हो सकता है। एक पॉइंट पे हम ये कंसिडर कर रहे थे जाफर इकबाल साहब, अगर हम मैं गलत ना हूं, कि डिसएंगेजिंग विद द यूएस इज आल्सो एन ऑप्शन, क्या इन मुलाकातों के बाद हमने ये फैसला कर लिया है कि हम अपनी पॉलिसी चेंज करें? क्योंकि जब बार बार ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, एहसन इकबाल साहब कहते हैं, और फिर वजीर आजम इन बातों की तायीद करते हैं कि जी हमने अपने घर को दुरुस्त करना है और फॉरेन पॉलिसी के अंदर पैराडाइम शिफ्ट आना चाहिए, तो आप किस किस्म की पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं? बहुत शुक्रिया जी, मुझसे ज्यादा बेहतर जो है वो गुफ्तगू कर सकेंगे, बता सकेंगे इस मौजू पे, अफगानिस्तान में रहे, उनके करीब हैं, कबायली बैकग्राउंड से हैं, लेकिन मैं भी सियासियात के तालिब इल्म के तौर पे जो चंद चीज़ें, एक तो जो बहुत ज़्यादा इस बात पे फोकस किया जा रहा है कि ख्वाजा साहब ने कहा घर को दुरुस्त करने की बात है, वजीर आजम ने कहा, सब ने कहा, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि हम ज़रब अज़ब कर चुके हैं। ज़रब अज़ब क्या था? घर को साफ करने का था ना जी,
उन कबायली इलाकों में जहाँ पहले बहुत और फिजा थी, और वहाँ पे जाके हमने घरों को, उन जगहों को, तो वहाँ पे कुछ बहुत था। बार हो सकी। मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जब आपके वजीर दफा, वजीर दाखला, वजीर खारजा ये कहते हैं कि जी हम फॉरेन पॉलिसी के अंदर शिफ्ट लाना चाहते हैं, आप चूंकि पार्लियामेंट के एक अहम मेंबर हैं। जी मैं उसी तरफ आ रहा था। अगर मतलब अगले जी मैं बड़ा बड़ा साफ मतलब बताता हूँ, ये आज की बात नहीं है, इसी के लिए बहुत सारी सजा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भुगती। किस कैसे? ये पॉलिसी शिफ्ट वाली। सबसे पहले दौरा किस मुल्क का किया था वजीर आजम बनने के बाद? बिल्कुल आप सही कह रहे, अफगानिस्तान का, चाइना का। ठीक है जी। उसके बाद रूस हमसे बहुत दूर था, बहुत फासले थे। अभी जिस तरह बात हुई कि तालिबान और वो अफगान क्यादत मिल बैठेंगे तो उनकी दूरियां ख़त्म होगी, तो एक अरसा ये था कि रूस का नाम लेना, रूस जाना, रूस पहुंचना, रूस से बात करना नामुमकिन थी। उन्होंने वक्त तो बनाया था अफगानिस्तान के जाता। आप ही के हाँ उनका बहुत हाई प्रोफाइल डेलीगेशन आया जिसको लीड कर रहे थे रूसी वजीर दिफा, पूरा दिन रुके, अहम मुलाकातें हुई। ठीक है, मैं आपकी बात मान गई। जब आप कहते हैं कि वो भुगत रहे हैं, क्या मतलब है आपका? जब आप कहते हैं कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है, अब मुझे अगली बात कर लेने, फिर मैं आगे भी बता देता हूँ, भुगत लेने की भी बता देता हूँ। कम होता है, मैं चाहती हूँ कि आपके बाद जो है, लेकिन मैं अपनी बात अपने अंदाज में ही कर पाऊंगा, उसके अलावा तो मुमकिन नहीं है। और फिर हमने चाइना से, रशिया से, टर्की से, ईरान से, अफगानिस्तान से अपने मामलात बेहतर करके अपने मामलात यहीं हल करने की बात की, और यही इरादा अभी जब ट्रंप साहब ने बयान दिया और बहुत शोर गोगा था कि ये अब क्या होगा, तो बड़ा सॉलिड रिस्पॉन्स आया हुकूमत की तरफ से, वजीर खारजा की तरफ से और वजीर आजम की तरफ से कि हमने एक बहुत बड़ी कीमत अदा की है। वजीर आजम क्यों, व्हाई डिड ही सफर? जब आप कहते हैं कि वो भुगते हैं, क्यों भुगते हैं? भुगते इसलिए हैं कि ये आपको मानना पड़ेगा कि इस वक्त दुनिया भर में जो एजेंसियां, जो ताकत, जो कुव्वत जो अमेरिका के पास है, वो दूसरों के पास नहीं है, और अमेरिकन ये नहीं चाहते कि वो मुल्क जो तरक्की कर रहे हैं या मुसलमान ममालिक, गरीब मुल्क, उसमें ऐसी हुकूमत हो जो पॉपुलर पब्लिक की नुमाइंदा हो। तो आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने कोई कंस्पिरेसी की है मियां नवाज शरीफ? मैं नहीं कह रहा, सारा जहान कह रहा है। आप किसी भी अमूर खारजा के माहिर से पूछें तो पता चलेगा जब एटमी धमाके हुए उसके बाद क्या हुआ था, और जब मुशर्रफ साहब थे तो कैसे अलाउ हुआ था अमेरिका को कि आए आप हवाई अड्डे पे? जाते क्यों है अगर आपके जाना है? आपने इस दुनिया के अंदर की है, आपने इस दुनिया में रहना है, हमने जाना है। वी आर सॉवरेन स्टेट, हम अपनी हैसियत में गए हैं, हम कोई सजदा बजा लाने के लिए नहीं गए। अच्छा, हम रियासत की नुमाइंदगी करते हैं, आपने इस दुनिया में रहना है ना जी। अच्छा, तो आपने सबके साथ ताल्लुकात रखने हैं। ठीक है, मैं फिर से आपकी जानिब आऊंगी। अमजद शुएब साहब, इधर जाफर इकबाल साहब तो कह रहे हैं कि अमरीका ने साजिश की है मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, जिसकी नतीजे के अंदर जो उन्होंने खामियाजा भुगता वो आपके सामने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मुझे तो इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, ना ही मेरे इल्म में कोई ऐसी चीज़ है, और जाफर इकबाल साहब अगर कुछ कह रहे हैं तो हो सकता है कि इनके नॉलेज में ये चीज़ हो। ये किस्सा तो पनामा से चला था, बहरहाल एक ऑन गोइंग इशू है। बात हम कर रहे थे फॉरेन पॉलिसी की, उसमें आपने, आप उसमें बात कर रहे थे एक पैराडाइम शिफ्ट की, और फिर नेगोशिएशंस के लिए अफगानिस्तान अगर खुद आगे बढ़ता है। हमें आज के तनाजर में चीजें देखनी चाहिए। पैराडाइम शिफ्ट ये है कि एक वक्त में हम सिर्फ अमेरिका पे इन्हसार कर रहे थे कि वो चार फ्रीकी कॉन्फ्रेंस करवा के तालिबान के साथ को मुज़ाकरात करके तो वो आगे बढ़ेंगे और इससे खित्ते में अमन आएगा, लेकिन आज जो असेसमेंट है बहुत सारे लोगों की वो ये नज़र आती है कि अमरीका खित्ते में अमन लाने के लिए इतना मुखलिस नहीं है जितना खित्ते के अपने मुल्क हैं जिनकी सरहदें मिलती हैं। ठीक। और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस वैसे भी कम हो गया। रीजन ये है कि अब तालिबान ईरान के साथ भी, उनके ताल्लुकात अच्छा, उसी तरह हैं, आ जा रहे हैं, उनसे पैसे भी ले रहे हैं। अमजद साहब, मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, क्योंकि आप इस माहिर राय रखते हैं इसके ऊपर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमरीका ने मिलकर एक ट्रायलैटरल मैकेनिज्म बनाया है दाएश को काउंटरैक्ट करने के लिए, ये कामयाब हो सकेगा? ये नहीं कामयाब होगा। क्यों? असल चीज नियतें होती हैं। मैं इस चीज को बड़ा शक की निगाह से देखता हूं, ये मेरा जाती एनालिसिस है, मुझे तफसील का नहीं पता, मैंने किससे डिस्कस नहीं किया।
देखिए जो दाइश थी अमेरिका यहाँ अफगानिस्तान में, उनको इन्होंने हेलीकॉप्टर्स के जरिए दो जगहों पे शिफ्ट करके प्लेस कर दिया है, एक तोरा बोरा पे फेसिंग पाकिस्तान, दूसरी तरफ साउथ में पाकिस्तान की तरफ। अब इन जगहों पे अगर दाइश महफूज है और अमेरिका ने या इंडिया या किसी ने वहां पे कोई उनके खिलाफ अफगानिस्तान ने काम नहीं किया, तो इसका खतरा और खदशा है कि इनको किसी स्टेज पे पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों के लिए लॉन्च किया जाएगा। अब जब आपको यह कहा जाता है कि हम इकट्ठे इसका मुकाबला करेंगे, जिसका मतलब अमेरिका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलकर मुकाबला करेंगे, तो ये एक जवाज बनाया जा रहा है पाकिस्तान में दखलंदाजी करने का, जो फुट ऑन ग्राउंड हम वैसे इजाजत नहीं देते, वो ये ट्रैप है जिसके जरिए फुट ऑन ग्राउंड नजर आ सकते हैं। अमरीकी सोल्जर्स, पाकिस्तान को बड़ा मोहतात रहना चाहिए। अमरीकी सोल्जर्स की बात कर रहे हैं? जी जी जी। अच्छा ठीक है, ये आपने बात कर रहा हूँ जो मिलके उन्होंने कहा है। अच्छा, सनसनीखेज बयान दे दिया आपने अमजद शुएब साहब, और मुझे इसके ऊपर एक वक्फा लेना पड़ रहा है क्योंकि कमर्शियल ब्रेक आ गई है, मगर इसके बाद इस गुफ्तगु को हम जारी रखेंगे। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है वजीर आजम के अमरीका दौरे पे, और ब्रेक से पहले करीम ख्वाजा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ब्रेक से पहले करीम ख्वाजा साहब, बात हो रही थी कि क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर कोई शिफ्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि एन ए 120 के अंदर एक शख्स के ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने बैन लगाया हुआ है, याकूब शेख, वो इलेक्शन लड़ते भी हैं और इलेक्शन कमीशन उनको इजाजत भी देती है, मगर उनको खाले इकट्ठे करने की इजाजत नहीं होती, और पाकिस्तान की जो रियासत है उनको स्केड्यूल 4 में भी डाल देती है। तो किस किस्म की खारजा पॉलिसी के अंदर शिफ्ट आ रही है जब आप कहते हैं कि हमने अपना घर साफ करना है, मगर उसके बावजूद ये कुछ होता है? थैंक यू मनीजा, मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, बड़ी रश थी, आई एम सॉरी। जी अच्छा, असल में मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि गुजर 30-35 साल से पाकिस्तान की जो माहौल है वो नॉन टॉलरेंट बन रहा है, और कल जो है मुलाकात हुई है डिफेंस कमेटी की, सेनेट की और नेशनल असेंबली की आर्मी चीफ से जी, और बड़े डिस्कशन हुए हैं फ्रैंक जी, तो मैं ये चाहूंगा कि ये फ्रैंक डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, जो इनक्रोच अक्सरी क़यादत ने बेनजीर भुट्टो से चीजें ली थी, वो फ्रैंक डिस्कशन के बाद ये हमें मिल जानी चाहिए। किस किस्म की चीजें? प्रोगेटिव पार्लियामेंट का है जो हमें मिल जानी चाहिए, और फिर हमें ही फैसला करना है कि हम किस तरह पैराडाइम शिफ्ट करते हैं, क्योंकि पैराडाइम शिफ्ट सेनेट पार्लियामेंट ही कर सकती है, और उसमें हमें सब मुल्कों से दोस्ती रखनी पड़ेगी, नेबर से भी दोस्ती रखनी पड़ेगी, और ये जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन से हाथ उठाना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते तो बलूचिस्तान हमारे हाथ से वैसे भी निकल रहा है, और ये जो तीन सरहदें हैं ये भी हमारे लिए इनसिक्योर है, दुनिया में भी हालात अच्छे नहीं हैं। तो ये आर्मी चीफ और इनकी जो डिस्कशन को मैं खुश आमदा करता हूँ, और ये डिस्कशन इस तरह होने चाहिए कि जो चीजें अस्करी क़यादत के पास है वो पार्लियामेंट को मिल जानी चाहिए, ठीक, और उसके बाद ही चेंज हो सकता है। इसके बगैर ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है अयाज वजीर साहब, ये कह देना करीम ख्वाजा साहब को कि जब फॉरेन पॉलिसी हमारे हाथों में आएगी तभी कोई पैराडाइम शिफ्ट होगा। बात तो मैंने आपसे अफगान अमूर पे करनी थी, मगर बात वो बड़ी पते के कर गए हैं। अब ये एक तरफ से ये कहते हैं, दूसरी तरफ से ये भी इन्होंने कह दिया कि जी हम बाढ़ लगाने लगे हैं, तो अफगानिस्तान के साथ वाकई में मामला तभी ठीक होंगे जब पॉलिसी कहीं और आएगी? ठीक है, अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पूरे मुल्क में आप पूछ ले तो वो आपको बता देंगे कि फॉरेन पॉलिसी पे शायद फॉरेन ऑफिस का कंट्रोल या सिविलियन हुकूमत का कंट्रोल इतना नहीं है, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान, इंडिया और अमेरिका के साथ ताल्लुकात के सिलसिले में। GHQ के ज़ाहिर बात है इन्फ्लुएंस है, फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त हर एक इदारे से पूछा जाता है, तो आर्मी एक बहुत बड़ा इदारा है, वो अपना इनपुट देती है, लेकिन पिछले 9/11 के बाद आर्मी का हाथ ज़रा इसलिए भी ज़्यादा हुआ कि वो हर जगह इन्वॉल्व है, सिक्योरिटी रिलेटेड तकरीबन फॉरेन पॉलिसी इसी के गिर्द, इस महवर के गिर्द घूमती है, तो ज़्यादा इनपुट वहाँ पे है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि
पॉलिटिकल लीडरशिप को उसके अंदर अपना रास्ता बनाने की इजाज़त नहीं है। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप में वो क्वालिटीज़ है, वो क्वालिफिकेशंस है, तो आर्मी मेरे ख्याल में रोक नहीं सकती, हालांकि चाहेगी, कौन नहीं चाहता, इंसानी फितरत है। आप कोई एग्जांपल दे दें कि पॉलिटिकल लीडरशिप को क्या करना चाहिए था वीजा वी अफगानिस्तान या अमेरिका जो वो नहीं कर पाए। देखो, पॉलिटिकल लीडरशिप को ये करना चाहिए मसला था तो कि अगर, स्टेट अगर, का है देखे, अगर कोई उसकी नहीं मानता, मैं जरा खुल के बात करूं, अगर नवाज शरीफ साहब यहाँ से लाहौर जाते हुए रास्ते में बार बार कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, तो ये बात पहले कह लेते जब वो वजीर आजम थे कि मुझे फॉरेन पॉलिसी बनाने क्यों नहीं देते। That's the point, जाफर साहब। देखिए, बहुत ही सारे मामलात में हमेशा वो शोबे हुकूमत के, फौज भी हुकूमत का हिस्सा है, वजारत दिफा भी हुकूमत का हिस्सा है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने फॉरेन पॉलिसी का वो हिस्सा जिससे आपके तजारत से रिलेटेड हो, जिन मुल्कों से आपके तजारती ताल्लुकात हैं, तो उसमें आप फौज से मशवरा लें, या अगर आपने कोई इसके अलावा ऐसा किसी के साथ आपका वो है, भी खुल के उन्होंने बात जी, मैं भी खुल के जी मैं कर बिल्कुल कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बात जी। तो जब बात आएगी अफगानिस्तान की जी, जब बात आएगी अमेरिका की, इंडिया की, तो फिर फौज की राय क्यों ना शामिल होगी। इसलिए राय की तो बात ही नहीं हो रही, मैं सुन लेना, करीम ख्वाजा साहब तो बात ही कुछ और कर रहे हैं। मुझे बात राय तो लेनी चाहिए, जरूर लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए। ख्वाजा साहब ने अपनी बात की, मैंने अपनी करनी है, मुझसे मेरी बात सुन लें जी। जो हमारी सरहदों पे वहाँ सूरत हाल है, जो अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात हैं, क्या हमारे दिफाई इदारे उसमें उस तरह से नहीं वहाँ पहरे दे रहे, ड्यूटियां दे रहे, या इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीड कौन कर रहा है? लीड गवर्नमेंट कर रही है, लीड गवर्नमेंट कर रही है और हमेशा गवर्नमेंट करती है। आप ओन करते हैं जो तबाही फिरी है फॉरेन पॉलिसी की, फिर तो आप ओन करें इसको। अच्छा, आपको तबाही, ख्वाजा आसिफ वजीर खारजा खड़े होकर ये कह रहे हैं, अमेरिका को पूरी अच्छी तरह उसका जवाब दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं जी तबाही फिरी है उसकी पॉलिसी की। और जब तक जहाँ तक अफगानिस्तान के मुतलका बात है, पिछले चार सालों में ये कोशिश हुई, और ये कोशिश अकेले नहीं हो सकती, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं खुद एक वफद का हिस्सा था तुर्की में, मुझसे वहाँ के वजीरे तजारत गालबन थे, वो आए हुए थे और मुलाकात हुई, बात हुई, उनको इंडिया का बहुत प्यार मोहब्बत था और बड़ा उनके साथ जी, वो हमारी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने फिर उनसे कहा कि हमने 3-4 दहाइयां 40-50 लाख आपके लोग संभाले हैं, वो हम ही ने कुर्बानी दी है, तो आप अगर हमें माइनस करके किसी बात का अफगानिस्तान में सोच रहे हैं तो मुमकिन नहीं है। ये हमने बैठकर करना है, गवर्नमेंट की तरजीहात रही, अब भी हैं और अब भी अफगानिस्तान से मिल बैठ के, और यही इस बात का ज्यादा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किया। अब अगर अफगानिस्तान में बैठे हुए लोग अमेरिका के कंट्रोल में हैं, उनके कहने पे चल रहे हैं, तो वो फिर हमारे ऊपर नहीं जिम्मेदार है। चलिए जी, करीम ख्वाजा साहब, आपका रिस्पांस, क्विक रिस्पांस चाहूंगी, फिर अमजद शेख साहब के जानिब जाए। नहीं, अमजद साहब आप रुकिए, करीम ख्वाजा से उनका रिस्पांस, तो मैं उतार दूं ये। नहीं, अमजद साहब आप एक मिनट रुके, मैं करीम ख्वाजा साहब से रिस्पांस ले लूं, आप एक सेकंड रुके, क्लोजिंग आपकी जानिब ही आऊंगी जी। करीम साहब जी, मलेजा मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि सलाला का वाक्य हुआ, हमारी हुकूमत थी, पार्लियामेंट ने यकमुश्त अमेरिका के खिलाफ स्टांस रखा। अभी जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे थे, उस वक्त के आर्मी चीफ कियानी बैकडोर अमेरिका से बातचीत कर रहे थे, आज से और अभी आज से 6-8 महीने कश्मीर का इशू हुआ, पार्लियामेंट ने बहुत शोर मचाया, ऑल ऑफ सडन पता चला कि नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइजर जो कि एक जनरल है रिटायर्ड, वो थाईलैंड में इंडिया के काउंटर पार्ट से बात करें, तो ये बैक चैनल जो है अक्सर ये क्यादत करती है, फॉरेन ऑफिस को भी पता नहीं होता है, तो जब तक पार्लियामेंट फैसला नहीं करेगा, सारी दुनिया में ये सिस्टम है, पार्लियामेंट करता है चीज फैसला, हुकूमत करती है, ये नहीं होगा। अच्छा, तो कुछ नहीं होगा। करीम ख्वाजा मिक्सअप कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। नासिर जंजुआ गवर्नमेंट का हिस्सा है, उनको आर्मी ने रिकमेंड ही नहीं किया था, ना आर्मी की रिक्वेस्ट पे वो अपॉइंट हुए हैं, वो गवर्नमेंट ही अपनी सिलेक्शन थी और अपनी मर्जी से अपॉइंट किया, और वो गवर्नमेंट से लेते हैं। से उनका बहुत बड़ा ताल्लुक उनका है। फौज के से नहीं, ताल्लुक खत्म है इस लिहाज से कि उनको अदारे के रिकमेंडेशन पे लिए नहीं गया, अगर अदारे से रिकमेंडेशन मांगी जाती तो वो शायद किसी और को रिकमेंड करते, सो ये चीज बड़ी मुख्तलिफ है। दूसरी बात यह है
कि ये पूरी दुनिया में एक माना हुआ सिस्टम है। ट्रंप को आपने देखा, वो कह रहा था कि फौज से हम फौजें वापस मंगवाएंगे अफगानिस्तान से, हमें क्या जरूरत है। तो फिर जब सदारत में आया तो पेंटागन हावी हो गई और उसने अब जनरल्स को कहा जी आप आजाद हैं, जो आप करना चाहते हैं वहां पर करें। ये सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर दुनिया सारी में यही कुछ होता है, इधर सिर्फ प्रॉब्लम और तकलीफ हमें पाकिस्तान में नजर आती है। पार्लियामेंट का अपना रोल मौजूद है जो वो अदा करना चाहिए, और वो हुकूमत को चाहिए कि पार्लियामेंट में रेफर करे। यमन के किस्से में जब फौज भेजने का किस्सा आया तो पार्लियामेंट ने फैसला किया, क्या जीएचक्यू ने फैसला किया था कि फौज ना भेजो? ये पार्लियामेंट में डिबेट हुई, सलाला का करीम खाजा साहब ने खुद रेफरेंस दिया है कि सलाला में किया। जब भी हुकूमत पार्लियामेंट में जाएगी, पार्लियामेंट फैसला करेगी, पूरी कौम उसको उस पर ताबे होगी और उस पर अमल करेगी। मैं ये देखता हूं, मेरे ख्याल के मुताबिक हुकूमत को पार्लियामेंट के साथ इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज यह है कि अब जो पैराडाइम शिफ्ट हो रही है, ये इन्होंने एम्बेसडर्स की कॉन्फ्रेंस करके वहां पे रिकमेंडेशन एम्बेसडर से ली है, जीएचक्यू से नहीं ली, एम्बेसडर से ली है। उस पर फॉरन ऑफिस काम कर रहा है, और जब ये फॉरन पॉलिसी के कोई खद्दोखाल सामने आए तो उनको चाहिए कि पार्लियामेंट में ले जाए, पार्लियामेंट पॉइंट है। नहीं, अमजद शोएब साहब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मगर अयाज वजीर साहब चूंकि आप वजीर रह चुके हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं, आप ऑन द ग्राउंड डिप्लोमेसी करते हैं, यू आर ऑल्सो इन डिफिकल्ट पोजिशन। एक तरफ से सियासतदान है, दूसरी तरफ से फौजी हजरात हैं। आप क्या समझते हैं कि आपके ऊपर कौन सी ओपिनियन या कौन सी राय ज्यादा हावी होती है? देखिए, राय तो वही हावी होती है जो इंस्ट्रक्शन हुकूमत से बाहर सफारतखानों को मिलते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से आते हैं? इंस्ट्रक्शन जाहिर बात है वजारत खारजा देती है, वजारत खारजा को प्राइम मिनिस्टर ही डायरेक्ट करते हैं, जीएचक्यू नहीं करती। लेकिन जीएचक्यू का जाहिर बात है बहुत बड़ा इनपुट है। अब ये कहना, देखिए, ये हम बकौल शख्स चांद को एक उंगली ऐसे करके छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई दुराय है ही नहीं। मैं दोबारा वही अल्फाज दोहराऊंगा, आप चेक कर लें कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर किसका कौन ज़्यादा हावी है। ये कोई माने ना माने, ये एक हकीकत है। बल्कि यहाँ तक है कि शायद अच्छी अच्छी जगहों पे भी जब अपॉइंटमेंट होती है तो उसमें भी शायद कंसेंसस की। सर, आपसे मैं एक सीधा सवाल करना चाहती हूँ, चूंकि अफगानिस्तान के ऊपर आप एक बहुत पुख्ता राय रखते हैं फॉरेन पॉलिसी पे। जी अमजद साहब, आपकी जानिब आऊंगी, मुझे मौका दीजिए, मौका दीजिए अमजद साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। का किस्सा, ये चीजें बड़े प्रोमिनेंटली बार फिगर आउट होती। अच्छा, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि उन्होंने इंडिया के साथ एक सॉफ्ट हैंडलिंग करनी है। चूंकि अफगानिस्तान के ऊपर सर प्रोग्राम है, प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक आखिरी सवाल कर लूँ। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ, क्या अब आपको ऐसा लगता है, चूंकि हुकूमत भी सीरियस है, थ्रेट भी आ गई है, इट्स अ डू और डाई सिचुएशन फॉर द अमेरिकन्स इन अफगानिस्तान, मे बी अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, डू यू थिंक वाकई में अब सीरियसली एक पैराडाइम शिफ्ट आएगी, या हम कामयाब हो जाएंगे अफगानिस्तान के अंदर कोई अपना रोल, पुख्ता रोल अदा करने में? देखो, पैराडाइम शिफ्ट तब आएगी जब आप उस पॉलिसी को दोबारा असर नो रिव्यू करके जो गलतियां आप करते थे या कर रहे हैं उनको ना करें। कौन सी आप मेरे मुंह से क्यों निकलवाते हैं, सारी दुनिया जानती है। आप उन लोगों को सपोर्ट ना करें। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट है, कितना भी बेवकूफ हो, बहुत बड़े मुल्क का सदर है। उसने कहा कि आपके यहाँ सेफ हेवंस हैं, आपके वजीर खारजा या मुशीर जो थे सरताज अजीज साहब, उन्होंने अमेरिका के अंदर खुद इकरार किया है कि तालिबान की लीडरशिप हमारे पास है। आपके मुल्क के अंदर तालिबान की लीडरशिप सेलेक्ट होती है, कुछ लाख जर्मनी में नहीं है, न हिंदुस्तान में है, वो क्वेटा के करीब शहर है, वहां पे तालिबान की लीडरशिप की सिलेक्शन होती है। आप इन चीजों को संभाले, आहिस्ता आहिस्ता इसको ठीक कर ले, ये रास्ता आपके लिए खतरनाक है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ठीक नहीं होंगे हालात। मैं प्लीज आपके ऊपर नहीं कमेंट किया, आप अपनी बात मुकम्मल कर ले, मुल्ला फजलुल्लाह की चोट का चुनाव हुआ है, वहाँ पे सारी सूरत जो है वो नगरहार में बैठी हुई है। सर, उनकी बात कंप्लीट हो जाए जी, उनको बोलने दे, जब उसकी नहीं, बात नहीं, 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 सर, आप अपने आखिरी जुमला बोल दें। मैंने मेरी आदत है ही नहीं किसी को इंटरप्ट करूं। अच्छा, आप अगर उनको शौक है वो बोलता नहीं,